नमस्कार, प्रोग्राम 8 पीएम में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को जम्मू के पलोड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब जम्मू कश्मीर में पथराव और गोलीबारी गुजरे समय की बात बन गई है, अब प्रदेश में आतंकवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। शाह ने कहा कि पीएम मोदी के कार्यकाल के 10 साल में जम्मू कश्मीर को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। एक जमाना था जब ऐसे जलसे की कल्पना ही नहीं कर सकते थे, पथराव होता था, गोलीबारी होती थी, बम धमाके होते थे, पाकिस्तान से हड़ताल का ऐलान किया जाता था और 370 का साया पूरे जम्मू कश्मीर पर छाया था। अब 370 समाप्त हो गया है, आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और जो युवा पथराव कर रहे थे उन युवाओं के हाथ में लैपटॉप है। अमित शाह ने कहा कि श्यामा प्रसाद का उन्होंने नारा भी दिया, एक देश में दो विधान, दो प्रधान व दो निशान नहीं चलेगा। अब जम्मू कश्मीर से 370 समाप्त हो गया है, पूरे देश की तरह यहाँ भी आन बान शान से हमारा तिरंगा गगन छू रहा है। बहुत कठिन दौर से संघर्ष करके भाजपा के नेता जम्मू कश्मीर की कश्ती को बाहर निकाल कर लाए हैं। भाई और बहनों, मैं घाटी के जवानों को कहना चाहता हूँ, ये अपप्रचार करते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी वाले घाटी पर कब्जा करना चाहते हैं। हम कब्जा करने वालों में से नहीं है, दिल जीतने वालों में से है, चिंता मत करिए। ये मेरे पहाड़ी गुर्जर भाई बैठे हैं, मन से आए हैं, उनका क्षेत्र न होने के बावजूद आए हैं, क्योंकि वो मोदी के मुरीद है इसलिए आए हैं। और मैं आज बताने आया हूं घाटी के सारे मतदारों को, हमें कोई जल्दी नहीं, जब आपका प्यार मिलेगा तो घाटी में भी कमल खिल जाएगा, हमें चिंता नहीं। इस चुनाव के अंदर घाटी के मतदाताओं को मैं अपील करने आया हूं, जिसको वोट देना हो वो देना, ये तीन परिवारवादी पार्टियों को न देना। फारूक साहब, महबूबा जी और सोनिया गांधी, ये तीनों अपने बेटे बेटी के लिए काम करते हैं, आपके लिए काम नहीं करते। भाई और बहनों, हमारे सांसद साहब के भी दो टर्म हुए हैं, मोदी जी के भी दो टर्म हुए हैं। मैं अपील करने आया हूं, हमारे सांसद साहब को भी तीसरा टर्म दीजिए और मोदी जी को भी तीसरा टर्म दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अभी 2 करोड़ के ऊपर यात्री पहुंचे हैं, मोदी को प्रधानमंत्री बना दो, 3 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट यहां जम्मू कश्मीर में आएंगे, ये मोदी का गारंटी है। ढेर सारी विकास की योजनाएं नरेंद्र मोदी जी के मन में है, उनको जमीन पर उतारना है। और मैं कहकर जाता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने तय किए हुए तारीख पर ही हम जम्मू कश्मीर के चुनाव कराएंगे, किसी को शंका रखने की जरूरत नहीं। भाई और बहनों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कमल के निशान पर बटन दबाइए, दबाएंगे क्या? भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बसोली में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा वोट की नहीं विकास की राजनीति करती है। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस पर सियासी हमला भी किया और कहा कि गरीबों की जमीन हड़पने वाले अब लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। और 2-1 दिन से ये शगुफा उड़ा कि मोदी सरकार तो अब उनकी जमीनें ही ले जाएगी, और शगुफा उड़ाने वाले कौन महानुभाव जिन्होंने गरीबों की जमीनें हड़पी हुई हैं, अभी तक केस चल रहे हैं। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी को साक्षी मान करके ये बात कहना चाह रहा हूं कि 254 सी सेक्शन जिसको लेकर के ये अफवाहें उड़ा जा रही हैं, उसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई भी ऐसा निर्णय मोदी सरकार के होते नहीं लिया जाएगा जिससे किसी भी वर्ग के हित को नुकसान पहुंचता हो। बल्कि आज से 6 महीने पहले जब जम्मू कश्मीर पाक अधीन के जम्मू कश्मीर के कुछ प्रतिनिधि सरकार के अधिकारियों से मिले थे, तो उस समय के चीफ सेक्रेटरी की ओर से यह आश्वासन भी दिया गया था और अखबारों में भी छपा
कि 2054 सी को रिव्यू किया जाएगा, वो अभी भी रिव्यू के अंतर्गत है, इसमें कोई तथ्य नहीं। बल्कि इसके विपरीत, यहां हमारी डीडीसी की मेंबर बैठी हैं कीड़ियां गंडियाल की, ये प्रतीक है मोदी जी के संकल्प का। मात्र 2000 आबादी है उस क्षेत्र की, जिसमें से 1000 आबादी है पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के आए हुए लोगों की। 70 साल से उनकी मांग थी कि वहां एक पुल निर्माणित हो, क्योंकि एक विडंबना थी जम्मू कश्मीर से पंजाब होकर के कीड़ियां गड़ियाल जाना पड़ता था। 70 साल तक कांग्रेस की सरकारों ने उस पुल के निर्माण की कल्पना नहीं की, क्योंकि उनके लगता था कि 2000 की पंचायतों के लिए इतना महंगा पुल उनके वोट बैंक में। देर शाम मतांदी गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार के कार्यकाल में वोट की राजनीति से ऊपर उठकर विकास कार्य हुए हैं। उदाहरण के तौर पर मात्र 2000 की जनसंख्या के लिए 150 करोड़ की लागत से बना कीड़ियां गंडियाल का पुल। उधमपुर कठुआ लोकसभा भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उधमपुर के धार रोड में बाइक रैली निकाली और बट्टल बालिया में एक जनसभा को संबोधित किया। आज मैं आज आया दो तीन दिन बाद, ते मैं औपचारिक तौर पर कुसे ने इस गल का जिक्र नहीं किते दा, और मन खुश हो गया भी मोदी जी का प्रोग्राम थोड़ा तौला होया। तो जिसल वो जान लगे तो जिनी भीड़ अंदर ही उन्नी ही भीड़ अंदर दाखिल हो आ रही उस ग्राउंड जिथे उनका जलसा हा, उसके वीडियो भी बच्चा बनाए बड़े खूबसूरत वीडियो, भी जिन्हें अंदर है उन्ने आवार दे है, इन्हें चली मोदी चलिए, एक चौधरी रोन लगी पिया आता चला गया तो मैं किस वास्ते आया, भी वह भी वीडियो बनया। फिर मैं आख्या इसी इं करो, यदा मन लाने वास्ते इसी मान तलाई सैर कराई जाओ। फिर साढ़े के गे जाग जा रहे हैं, वो मान तलाई नवा बने का सेंटर उत्थे भेजा। यानी इस किस्म के जज्बे करने उस दिन सारे आए, लेकिन वो बाद साढ़े वास्ते एक काम भी छोड़ी है। तुम्हें तो चेता किता मोदी जी क्या आखी है, उन्हें आख्या पिछली बारी को इस बारी मार्जिन ज्यादा वह ताकि मैं वापस आई इतने कलाड़ी खा। हूँ मजबूरी साड़ी ये है भी जे अस मार्जिन पहले को बद नहीं की तो उन्हें कलाड़ी नहीं खानी, तो साड़ी कलाड़ी उम्र रही जानी। इस वास्ते हूँ मतिया गल् नहीं सोची है, त्रै दिन बचे दिन, 3,58,000 की पिछली बारी रिकॉर्ड जी थी जम्मू कश्मीर, इस बारी असें 100% वोट पाइए उसी बधाना, तो उस दिन आखना मोदी जी कलाड़ी तैयार है। लेकिन जे अगर तुम तो संजीदगी करने सोचो, गहराई करने सोचो, तो महसूस होग मुल्क का प्रधानमंत्री आइए इतने गल करता कलाड़ी की, मिगी नहीं पता पंजाब भी लोगों की कलाड़ी का पता कि नहीं, तो अंदाजा लाओ कि संवेदनशीलता है, वो मने सास बसे दे उधमपुर के कन्ने उन्हें हमेशा लगाव रहा, उन्हें आपू भी गलाया कि लगभग 40-50 बने का मैं इतने आना जाना रहा। असं चेता है जिसल प्रधानमंत्री मनोनीत होए कैंडीडेट तो इतने आए हैं, भी इतों गए वैष्णो देवी माता के दर्शन करिए, तो भी प्रधानमंत्री बनने के 2 महीने बाद परती आए, उस बारी उन्हें असं कटड़ा वैष्णो देवी का तोहफा दिता रेलवे स्टेशन का, भी इतनी बारी आए जो असैंबली का इलैक्शन आ, भी चौथी बारी आए जदों वो टनल का लोकार्पण हा, मतलब बार बार जिसल मौका मिलता उधमपुर आते। मैं उस दिन कल कठुआ गलार दा इतने उन्हें कलाड़ी की गल की, इतने खड़ोइए गल की भी कंडी का इलाका कंडे ने हों जे कांग्रेसियां वो रैम बनाई उड़े दिता वो शाहपुर कंडी का, जे तुम पठानकोट के परे जाओ कुछ आखो कंडी उसी समझौना नहीं, मतलब कि इतने इसका प्रधानमंत्री आखर का। इस बारी इस वास्ते इस बारी का जोड़ा वोट है ये राजनीति को उपर उठिए वोट है, एक ऐसी ऐसे नेतृत्व ऐसे निज़ाम वास्ते वोट है जड़ा न्याय पसंद है जड़ा इंसाफ पसंद है, वोट और राजनीति और पार्टी को उपर उठिए जड़ा मुआशरे की समाज की इंसाफ दिता है, तांगे नारी शक्ति तांगे साढ़े चौधरी अज आख देना अस वोट देना मोदी की। थोड़ी सुध बुद्ध भी रखते हर वेले, थोड़े चिंता भी करते हैं, तो थोड़े दिले के अंदर के है वह भी समझी जाते हैं भी शेख गुलाम रसूल के अंदर के है तो शकील के अंदर के है, ये तां गै हुंदा जिसे दिल जुड़े दे होण। बिल्कुल दिलां दा मेल है। कन्ने साढ़े बैठे दे इत्थे दे साढ़े प्रेसिडेंट साहब अरुण गुप्ता जी, बड़ियाल साहब, बलवान सिंह और खास मुबारकबाद दे हकदार ने। मेरे ख्याल कल गै इन्हें आख्या मैं प्रोग्राम करना है,
ते रातो रात जिया आखदे हे घरे आलियां इन्नियां गेदियां लेडी संगीत करन ते साडा संगीत करार दे। ये जाहिर करदा जिहड़ा इहदा तुहाडे प्रति जन समर्पण है, पार्टी के प्रति तो है ही है, लेकिन जिस चाली का लोग सेवा का भाव है वो जनून हुंदा, वो कुछ होर करने करने की इजाजत नहीं दिंदा, आदमी मजबूर हो जाता। और अस धनी है कि साढ़े को ऐसे बलवान सिंह जी साथी है, आशु शर्मा जी, करनैल साहब। श्रीनगर में एक बड़ा हादसा हुआ है, यहाँ झेलम नदी में नाव डूब गई। इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार चार शव बरामद कर लिए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा गया कि जब नाव पलटी तो उसमें 20 लोग सवार थे। अभी बचाव अभियान जारी है। जानकारी के अनुसार श्रीनगर के गंडबल नौगाम इलाके में एक नाव पलट गई, चार लोगों के शव मिल चुके हैं, अभी कई लोग लापता हैं, बचाव अभियान जारी है। स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दी है और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि इस नाव में ज्यादातर बच्चे सवार थे। श्रीनगर प्रशासन ने बटवाड़ा के पास गंडबल में बचाव अभियान शुरू किया हुआ है। यहाँ आज सुबह झेलम नदी में एक नाव पलट गई थी। श्रीनगर के DC डॉक्टर बिलाल मोहियुद्दीन भट्ट के निर्देश पर बचाव दल मानव जीवन की सुरक्षा के लिए मौके पर पहुंचे हैं। जरूरत है, और जब से मैं पैदा हुआ यहाँ तक कि मेरा बाप भी जब से पैदा हुआ तब से हमें यहाँ किश्ती आने जाने की है। और ये जो इलाका है ये कम से कम 600 चूलू का है, कम से कम 600 फैमिलीज यहाँ रहते हैं, तो इनके लिए यही एक वाहिद रास्ता एक किश्ती है, क्योंकि हमारा कॉन्टेक्ट बंटवारे के साथ है, हमारे बच्चे बंटवारे में पढ़ते हैं, हमारा जो भी है दुकानें शुकानें बंटवारे में है। तो देखिए हमारी गवर्नमेंट देखिए आप वो चीज़ बना रही है जो हमें नहीं चाहिए, हमें स्मार्ट सिटी ज़रूरत ही नहीं है, हमें हमारे जो फ्लाईओवर जितने जो बन रहे हैं ठीक है बन रहे हैं, लेकिन हमें यह छोटा सा मसला, और वो भी फूड ब्रिज था, कोई इतना बड़ा ब्रिज नहीं था कि उसमें करोड़ों लगने थे, गाड़ियाँ चलनी थी, खाली फूड ब्रिज हम मांग रहे थे गवर्नमेंट से, हमारे बच्चे मर गए, इनकी जिम्मेदार गवर्नमेंट है। और ये जो हमारी है मतलब ऑल मॉल जितनी भी है बड़े हमारे इदारे हैं। मौसम में आए बदलाव के बाद लगातार वर्षा होने से सोमवार को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गया। रामबन के किश्तवाड़ी पत्थर इलाके में सोमवार शाम को राजमार्ग पर पहाड़ों से पत्थर व मलबा गिरने से यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। इसके बाद रामबन में दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। लगातार बारिश और अंधेरा होने के कारण राजमार्ग को खोलने का काम शुरू नहीं हो सका। रामबन में मौसम का मिजाज सुबह से ही बदला हुआ है। इसी के साथ जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर यातायात प्रभावित होने लगा था। सुबह करीब 9 बजे किश्तवाड़ी पत्थर इलाके में राजमार्ग पर मलबा व पत्थर गिरने से राजमार्ग बंद हो गया। जब इसके बारे में पुलिस को सूचना मिली तो 4 लेन राजमार्ग का निर्माण कर रही कंपनी के साथ संपर्क कर राजमार्ग को खोलने का काम शुरू कर दिया गया। सुबह करीब 10:30 बजे राजमार्ग को खोलने में कामयाबी मिली और वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ब्राह्मण सभा द्वारा 10 मई को भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसी को लेकर ब्राह्मण सभा द्वारा प्रेस वार्ता को अंजाम दिया गया, जिसके माध्यम से उन्होंने शोभा यात्रा के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी साझा की। मेरी तरफ से और मेरी समस्त टीम की तरफ से आज का जो प्रेस वार्ता का जो विषय है, ये 10 मई को भगवान परशुराम प्राकट्य उत्सव के बारे में जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा द्वारा होने वाले कार्यक्रमों का विवरण देने के लिए हमने ये प्रेस वार्ता रखी है। जैसे कि हर वर्ष की तरह जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा प्रतिबद्ध है परशुराम जन्म उत्सव को मनाने के लिए, उसी की तरफ पे हम तीसरी महारैली शोभा यात्रा का आयोजन 10 मई को करने जा रहे हैं। ये शोभा यात्रा का विवरण मैं आपको विस्तार में दूंगा। सबसे पहले विशाल भंडारे का भी आयोजन है। जो जम्मू में मंगलवार को धूप खिली, हालांकि घाटी में अभी भी बादल छाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में सोमवार को मौसम के बदले मिजाज से झमझम बारिश और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हुई। कई इलाकों में आंधी तूफान से जनजीवन प्रभावित हुआ। बारिश के बाद कई पहाड़ी इलाकों के साथ मैदानी क्षेत्रों में बिजली सप्लाई ठप हो गई। कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश से जलभराव की स्थिति हो गई। इस बीच मंगलवार को जम्मू श्रीनगर हाईवे को आंशिक रूप से बंद कर दिया गया। अभी फंसे हुए वाहनों को प्रमुखता के आधार पर निकाला गया। सोमवार शाम रामबन के किश्तवाड़ी पाठर में भारी भूस्खलन हुआ, इसके चलते जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद करना पड़ा। प्रशासन ने NH 44 पर यात्रा करने से बचने की सलाह दी। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार मंगलवार को कुछ हिस्सों में बारिश होगी और 19 अप्रैल तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। राजधानी श्रीनगर समेत कश्मीर के अन्य हिस्सों में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। गुलमर्ग के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हुई। उधमपुर में दोपहर बाद बारिश हुई। रियासी में शाम से बादलों के गरजने के साथ बारिश हुई। जम्मू में शाम को अचानक काली घटाएं छाने से तेज हवाएं चलने लगी और मूसलाधार बारिश हुई। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 8, पहलगाम में 5.7, गुलमर्ग में 1.2, लेह में 4.5, जम्मू में 21,
कटरा में 17.6 और भद्रवाह में 11.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए।